सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फायर सप्रेशन द सप्रेशन ऑफ फायर कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन इकोसिस्टम फायर का बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाना या उसका एक हद से या कंट्रोल से बाहर हो जाना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देता है इकोसिस्टम को विच इफेक्ट्स द प्लांट्स प्लांट्स को इफेक्ट कर सकता है बड़े पैमाने पर पे कहीं अगर आग लग जाती है तो पूरा का पूरा जंगल उससे ख़त्म होने का चांस है और जब जंगल में आग लगेगी तो सिर्फ जंगल ही ख़त्म नहीं हो रहा उसके अंदर उसके साथ जो बायोडाइवर्सिटी है जो वाइल्ड लाइफ है वो सारी ये चीज़ें थ्रेट में चली जाएंगी ऑन अदर साइड जो फ्रेश uh, एयर है वो पोलूटेड होगी जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूम एनिमल्स को जहाँ प्लांट्स को थ्रेट है वहाँ एनिमल भी जो रहते हैं किसी भी जगह पर उनको भी थ्रेट्स है एंड ह्यूमन बींगल अगर बहुत बड़े पैमाने पर पे कहीं आग लगती है तो वहाँ टेम्परेचर जो है वह बढ़ता है आ, आ, जो डस्ट है वह बढ़ती है धुआं एयर के अंदर और ओवरऑल प्लूटेड एयर की एक सिचुएशन बनती है एंड दैट डिपेंड्स ऑन दबिटेट वाइल्ड फायर टर्ज हिस्टोरिकल फायर रिजेम बिकॉज ऑफ देशन आर कॉल्ड अन कर वाइल्ड फायर जो हैं अनकर नेचर भी हो सक हो सकती हैं बिकॉज ऑफ फायर सप्रेशन आर्ट कार्ड अनकरक्टरिस्टिक्स फायर ये ऐसी हैं जो कंट्रोल्ड नहीं है इनके कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं फायर प्लेज एंड असेंशियल रोल्स इन मेनटेनिंग हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑन अदर साइड दैट इज अदर साइड फायर जो है ये हेल्दी इकोसिस्टम को मेनटेन करने के लिए भी समटाइम ज़रूरी है कि जब फायर कहीं पे आती है तो बहुत सी ऐसी अननेसेसरी वीड्स जड़ी बूटियाँ वो भी ख़त्म होती हैं ओल्ड जो पुराने दरख्त के ख़त्म हो के, के नए दरख्त उगते हैं फ़्रेश जहाँ पे फायर आती है राख हो साथ में बारिश होती है तो इकोसिस्टम में नई चेंजेस टुक प्लेस होती हैं नई तब्दीलियाँ आती हैं नए नए फ्रेश पौधे उगते हैं उसी तरह जैसे एक नई खेती नई फसल होती है

ऑफ़ द रिस्पॉन्डर एज वेल हायर कास्ट एंड प्रॉपर्टी लास्ट उसको रिस्पॉन्ड करने पे बहुत कास्ट आती है कहीं फायर लाइक सिचुएशन बनती है उसको रिस्पॉन्ड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन बहुत बड़ी कास्ट भी है कि आप स्प्रे करने पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जहाज़ों से हेलीकॉप्टर से पूरी पूरी कम्यूनिटीज़ को शहरों को डिसलोकेट करना पड़ता है साथ में वहाँ मैसिव डैमेज हो सकता है लोगों के घर चले जाते हैं जल जाते हैं जल के राख हो जाते हैं दूसरी साइड पे जो फ्यूल uh, है उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाती है एंड फायर लाइक सिचुएशन एंड सिनेरियो मैक्सिमम यूज़ ऑफ़ द फ्यूल फर्स्ट टू टैकल द फायर एंड लेटर ऑन टू मैनेज द डिसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द दास लिविंग ओवर देयर तो ऑल ओवर दिस सिचुएशन स्टेट को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है प्रॉब्लम्स भी होती हैं और साथ में डैमेज मैक्सिमम है ऑन अदर साइड डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो कॉस्ट है इन्वायमेंटल डैमेज है इन टर्म ऑफ फ्यूल जब मैक्सिमम फ्यूल का यूजेज है एकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस है ग्रीन हाउस गैसेज हैं सी ओ टू मिशन है इन्वायरमेंटल डैमेज है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट द फायर बिकॉज इन इन द केस ऑफ फायर फर्स्ट द इनवायरमेंटल डैमेज इन टर्म ऑफ द ग्रीन इन्वायरमेंट गोइंग टू बी डैमेज सेकेंड उसकी वजह से जो सी ओ टू प्रोड्यूस होगा ओजोन लेयर जो उसकी डिप्लेशन होगी तो वो सारी चीज़ें फायर सप्रेशन दैट इज डेंजरस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम्स